जनाब। अरे भाई ये क्या क्या टिकटॉकर्स कहाँ रह गए आज? कहाँ है सर? बस यहीं है। यहीं है, नजर नहीं आ रही मुझे। और जब मुझे कोई नजर नहीं आता मैं फौरन करता हूँ -2। हो गए -2, क्यों नहीं आए ये लोग अभी तक? सर बताएं। हुसैन और अभी अगर तुम लोग देख रहे हो अब तो -2 हो गए, तो आराम से टेक योर टाइम, वहाँ आराम से बैठो, जो भी तुम लोग खा रहे हो पी रहे हो खा पी के फिनिश करके आना आराम से, ठीक है? जबरदस्त हो गया, -2 हो गए। और इस तरह एक और टीम के -2 हो गए, वो मैं नहीं जानता। मेरे फ्लोर पे आने से पहले अगर कोई टीम का प्लेयर नहीं आया उसके -2, इसका मतलब है कि आप भी नहीं। क्या बोला बेटा आपने? किसको? कहाँ पे नहीं थे? लारिव अगर 10 मिनट भी लेट आता ना तो मैं -2 नहीं करता, क्योंकि इसको काम था एक। और इसकी अच्छी बात है कि उससे पहले करके आ गया, इसने मुझसे एक्स्ट्रा 10 मिनट लिए थे, वो बॉल हाउस में ही था लेकिन उसको काम था, लेकिन वो जल्दी आ गया हमारी वजह से। तुम बाथरूम में फ्रेश होने गए थे? बाथरूम में फ्रेश होने जाते हो बेटे, तो जब मैं आया था उससे पहले क्यों नहीं चले गए? माइक बोलो मुझे आवाज़ नहीं, जरा माइक दो उसको, माइक दो जल्दी से। माइक कहाँ है भाई? माइक कहाँ है? हेलो हेलो। हाँ लेट हो गया था, ट्रैफिक बहुत वजह से। अच्छा देखो ये सारी बातें जो है ना, फिर अगर मुझसे आके रबीका और हुसैन भी बोलेंगे ना तो फिर मुझे उनकी बात भी माननी पड़ेगी, इसलिए तुम लोग के भी -2 होंगे और टिकटॉकर्स के भी -2 होंगे आज, इसलिए क्योंकि सारे रूल्स हर टीम के लिए बराबर है। मेरे आने से पहले हर टीम के हर प्लेयर को फ्लोर पे होना जरूरी है। अगर किसी के साथ कोई इमरजेंसी है तो वो मुझे पहले बताएगा, तब फाइन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे और तुम लोग खुद गायब रहोगे, वो किसी भी रीजन की वजह से हो, -2 होंगे ही होंगे। टिकटॉकर्स -2 है, इंस्टाग्राम -2 है। कल खेले बहुत अच्छा हो लेकिन ये गलतियां तुम्हें महंगी पड़ जाएंगी। देखो तुम वो टीम हो जो 4th नंबर पर हो, तुम वो टीम हो जिन्होंने तीनों टीम्स को हराना है अगर क्वालिफायर खेलना है तो। खैर एनीवे, क्वालिफायर से ज्यादा यूट्यूबर्स कल भी 1 पॉइंट से रह गए हो, 1 पॉइंट से पीछे थे। ऐसे क्यों हो रहा है लेकिन तुम लोग क्यों फिनिश नहीं कर पा रहे हो? लास्ट 4 मैचेस कल का मिला के, हाँ पहले दिन हम गेम चेंजर खेले और हार गए, हार गए थे। दूसरे दिन 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट और कल बिल्कुल ऐसे ही हुआ। सर हम अपनी तरफ से पूरी जान मार रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, समटाइम्स ये होता है, ठीक है वो फैक्ट इज कि जो पहले आता है वही जाना जाता है, बट वी आर ट्राइंग, टिल वी आर ट्राइंग वील ट्राई आर बेस्ट। अभी भी 4 मैचेस हमने होप्स नहीं छोड़ी अपनी, वी नो के इफ वी विन 2 मैचेस कंसेक्यूटिवली या 4 में से 2 विद ब्रीफ केसेस सो वील बी प्लेइंग क्वालिफाइड, फॉर दैट यू हैव टू विन। या सो सर बस कोशिश कर रहे हैं, बाकी आसानी करेंगे इंशाल्लाह। खैर अब मैं आज देखूंगा कि तुम लोग कैसा खेलते हो। गाइस अगर तुम लोग फिनिश लाइन पे पहुंचते हो और तुम्हें फिनिश करना नहीं आ रहा है तो फिर तो डिजर्व ही नहीं करते क्वालिफायर खेलने के। यार फिनिश ही तो करना है, अगर तुम्हें बेल्ट जीतनी है तो इन तीनों टीम्स को हराना पड़ेगा इंशाल्लाह, और रोजाना 1 पॉइंट से हारना। ये भी हो सकता है कि तुम क्वालिफायर या एलिमिनेटर 1 पॉइंट से हारो, क्योंकि उसमें 1-on-1 होता है, पॉइंट्स कम होते हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि दूसरी टीम 1 पॉइंट से पीछे रह जाती है, जो जीत रही होती है टीम वो गेम चेंजर खेलकर जीत जाती है, इसलिए ये तुम लोगों को सीख मिल रही है। देखता हूँ आज कैसा खेलोगे। भाई वेलकम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैंने तो अभी अनाउंस भी किया था आराम से आते, मैंने कहा जो कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं जहाँ हैं वहाँ रुक के आराम से, मैंने बोला भी था, सुना नहीं आप लोगों ने शायद, मुबारक हो लेकिन -2 हो गए। कैसे हुसैन, खैरियत से हो तुम? कहाँ थे भाई? 1, 2, 3, 4, 5 शर्ट पहन ली। अरे भाई 5 शर्ट पहन के भी माशाल्लाह, क्या बात है। बर्फ कहाँ, बर्फ है। आपको अगर ज्यादा सर्दी चाहिए मैं आपको जैकेट दे दूँ भाई, अगर आप बोलें, अगर आपकी तबीयत खराब हो आप बोलिएगा भाई को सिर्फ। खैर एनी वे कहाँ थे भाई, कहाँ थे आप? मेरी तो तबीयत खराब है इसलिए मैं लेट हो गया। क्या हुआ तुम्हें? सर फीवर वगैरह, वो मौसम। जब तुम यहाँ पहुँच चुके हो तो फिर उसका फीवर से क्या ताल्लुक है हुसैन? एक चीज, अगर तुम फ्लोर, अगर तुम बॉल हाउस में ही हो और तुम्हें सिर्फ नीचे उतर के आना है। नहीं नहीं सर, मैं पहुंचा लेट था, वैसे जब मैं लेट होता था ना बॉल ही लेट पहुंचा था। मैं आया हूं अभी 5 मिनट पहले, तुम मुझसे पहले क्या आए? नहीं सर प्रॉमिस, 5 मिनट पहले ही मैं भी आया हूं। मेरे साथ ही आयो, हम दोनों गले में डाल के आए, ऐसा नहीं हुआ ना। खैर लेट आए तो मैंने सोचा बड़ी हंसी आ रही है भाई, बड़ी हंसी आ रही है, हार के रोजाना हंस रही है लड़की। कैसी हो गजब? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। गाना भी बहुत बुरा गाया, क्या हो गया तुम लोगों को? दरअसल वो मेरे सुर हिल गए, उल्टा हो रहा है। पिछली बार पिछले सीजन में क्या हुआ था कि तुम लोग जब एंड की तरफ जा रहे थे तो अच्छे होते हुए जा रहे थे, इधर उल्टा हो रहा है। नहीं हम एंड के बिल्कुल डेज में अच्छे हुए, ये एंड ही चल रहा है। नहीं एंड ऑफ डेज, अभी अभी हमारा एंड शुरू हुआ है। वही तो कह रहा हूँ, तुम्हारा एंड शुरू हो गया यहाँ से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बैट ले जाएंगे, है दोबारा ले जाएंगे। अगर तुम्हें बेल्ट ना मिले बड़ी वाली तो एक काम करना, अलिफ के पास 4-5 बेल्ट है, वो अपनी पसंद की बेल्ट ले आना। नहीं सर कल हम लोग अच्छा नहीं खेले, हाँ मगर आज इंशाल्लाह से भी बाहर थे, सब बाहर थे, हाँ। मगर आज इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका मिलेगा, ऐसा खेलेंगे कि इंशाल्लाह कैसा भाई, ऐसा कि किसी को छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। चलो मैं चैंपियंस देखूंगा कि तुम लोग ऐसा खेलते हो या नहीं। अगर तुम लोग आज जीते तो तुम लोग टिकटॉकर्स के बराबर आ जाओगे, और टिकटॉकर्स लगातार 4 या 5 मैचेस हार के ऑलमोस्ट इनके बराबर हो चुके हैं।
एक जमाना था जब तुम लोग 6 मैचेस जीते हुए थे, वो 6 पर रुक ही गए तुम लोग। लास्ट वीक का सैटरडे जीते थे। लेकिन कितने मैचेस हो गए? 6 मैचेस, 6 विद गेम चेंजर्स। देखो तुम्हें कैसे जीते थे वो तुम मैच, वो वाला कैसे जीते थे? वो वाला तो हमने खेल के जीते थे। एक तुम किसी ने खुलवाया था ना सर? एक खुलवाया, दो बार, दो नहीं सर, एक बार खुलवाया। और ये लोग कितनी बार जीते हैं किसी दूसरे के पास से? एक बार, दो, तीन से चार बार जीत चुके हैं ये लोग। तीन बार हम लोग जीते ही दूसरों के, उसमें हमने कभी कुछ खेला ही नहीं था। नहीं, खेला तो है। थैंक यू सो मच। नहीं खेला है, लेकिन तीन बार आप दूसरों के बॉक्सेस पे जीते। चिढ़ क्यों रहे हो सच्चाई पे? चिढ़ने की क्या बात है, सच तो बोल रहे बच्चे। एक बार एकदम कैसे? चलो एक चीज तुम लोगों को बताऊं, तुम्हारी टीम में सबसे अच्छा हुसैन खेल रहा है, लेकिन ये अकेला भी अच्छा खेलता रहा ना तो तुम लोग अगर अच्छा नहीं खेले तुम लोग कभी भी नहीं जीतोगे। अकेला बंदा अपने पॉइंट्स जीतेगा, ये कितनी भी एफर्ट कर ले। कल भी तुम लोग सबसे पीछे थे, फिर ये जीतना शुरू हुआ तो तुम लोग एंड तक पहुंच तो गए थे, लेकिन एक्टिंग सेगमेंट में हारे हो, बुरी एक्टिंग करके गए थे। तुम सबका खेलना अच्छा जरूरी है टिकटॉकर्स, फिर से हारोगे इस बार वरना। ये तुम्हारे फैंस बहुत सारी बातें बोलते हैं कि ये ऐसे कर ले वो ऐसे कर ले, मैं फिर से बता रहा हूं पूरी टीम का अच्छा खेलना जरूरी है। जो भी टीम जीत रही है तुम अगर नोटिस करो वो पूरी टीम अच्छा खेल रही है, उसका एक प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा। कल पूरी टीम इंस्टाग्राम पर अच्छा खेली, देखो वो आज भी पीछे जाके उसको स्टेप्स बता रहा है, मतलब वो लोग कीन है, वो लोग विलिंग है जीतने के। और तुम लोगों को यही पैशन शो करना पड़ेगा, मैं चारों टीम्स के लिए बोल रहा हूँ, जो भी ये पैशन शो करेगा यहाँ से इस बार फिर से वही टीम जीतेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।